2019 में पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी टाटा मोटर्स महज कुछ सालों में भारत की वन ऑफ द लार्जेस्ट व्हीकल मैन्युफैक्चरर कैसे बना। दरअसल आज से करीब 3 साल पहले तक टाटा मोटर्स की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि इनको एक एक गाड़ी बेचना भी मुश्किल हो गया था। सभी को यही लग रहा था कि टाटा मोटर्स अब कमबैक नहीं कर पाएगी, क्योंकि कंपनी पर 2019 तक 1,00,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कर्जा हो गया था। लेकिन इसके बाद से सिर्फ 3 सालों में ही कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि टाटा मोटर्स आज भारत की इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में 84% और ओवरऑल ऑटो इंडस्ट्री के करीब 15% शेयर को होल्ड करती है। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि जो कंपनी सेल्स ना होने की वजह से पूरी तरह से कर्जे में डूब चुकी थी, उसने इतने कम समय में इतना बड़ा कमबैक कैसे किया, और ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजीज थी जिनके दम पर टाटा आज भारत की टॉप ऑटोमोबाइल कंपनी बनी हुई है। तो दोस्तों, टाटा मोटर्स की बिजनेस स्ट्रेटेजीज और कमबैक के बारे में बात करने से पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि इस कंपनी के साथ 2019 से पहले आखिर ऐसा क्या हुआ था कि ये कंपनी इतनी बुरी तरह से फेल हो गई थी। रीजन बिहाइंड फेलियर। दोस्तों, यूं तो टाटा मोटर्स को आज से 77 साल पहले 1945 में फाउंड किया गया था, लेकिन पैसेंजर व्हीकल मार्केट में इसकी शुरुआत साल 1991 से मानी जाती है, क्योंकि इसी साल टाटा ने अपनी पहली SUV टाटा सियेरा को लॉन्च किया था। साल 1991 से 2008 तक थोड़ी ही सही, लेकिन कंपनी ने सक्सेस देखी। लेकिन फिर 2008 में टाटा मोटर्स ने अपनी सबसे सस्ती कार टाटा नैनो को भारत में लॉन्च किया, जो कि मार्केट में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, और ये टाटा मोटर्स के लिए उसका सबसे बड़ा मार्केट फेलियर बन गया था। लेकिन फिर टाटा मोटर्स ने 2008 में जैगवार लैंड रोवर को खरीदकर मार्केट में एक जबरदस्त कमबैक किया, जिस कारण इसका मार्केट शेयर एकदम से काफी ज्यादा बढ़ गया। लेकिन इनकी ये सक्सेस भी सिर्फ साल 2019 तक ही जारी रह पाई थी। एक्चुअली जैगवार और लैंड रोवर का बिजनेस मेनली चीन और यूरोपीय देशों में था। अब हुआ ये कि एक तरफ तो चीन ने इंपोर्ट पर 25% तक का टैरिफ बढ़ा दिया, और साथ ही JLR की कार्स में कुछ टेक्निकल एरर्स आने की वजह से साल 2017 में कंपनी को 1,00,000 से भी ज्यादा व्हीकल्स वापस मंगवाने पड़े थे, और यही वजह थी कि JLR जो सिर्फ चीन से ही 33% का रेवेन्यू टाटा मोटर्स को दे रही थी, ये रेवेन्यू 2017 में घटकर सिर्फ 10% रह गया। और दोस्तों, चीन के अलावा यूरोपियन देशों ने भी डीजल व्हीकल पर टैरिफ बढ़ा दिया और इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने लगे, लेकिन JLR के 90% व्हीकल डीजल वेरिएंट के थे, जिसकी वजह से टाटा मोटर्स को JLR की कार्स बहुत कम प्राइस पर बेचनी पड़ी। और दोस्तों, JLR के इसी मार्केट फेलियर की वजह से ही टाटा मोटर्स 1,00,000 करोड़ रुपए के कर्जे में डूब गया था, और भारत में भी इनका मार्केट शेयर घटकर सिर्फ 3% रह गया था। नौबत तो यहाँ तक पहुँच गई थी कि मार्केट में टाटा मोटर्स के पूरी तरह से शटडाउन होने की बात होने लगी थी। लेकिन फिर अगले ही 2 सालों में टाटा मोटर्स ने ऐसा कमाल किया कि कंपनी का शेयर 3% से बढ़कर सीधा 15% के करीब पहुँच गया, और इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में तो कंपनी ने 82% का मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया था। असल में टाटा मोटर्स को ये सक्सेस ऐसे ही लक से हासिल नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे भी कई बड़ी बड़ी और अहम स्ट्रेटजीज का रोल रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं टाटा मोटर्स की उन 5 मुख्य बिजनेस स्ट्रेटजीज के बारे में जिनके दम पर टाटा मोटर्स ऑटोमोबाइल सेक्टर में कमबैक कर पाई है। नंबर 1, रिमूव्ड ओल्ड व्हीकल्स फ्रॉम द मार्केट। दोस्तों, साल 2020 में जब भारत में COVID-19 हिट हुआ और कंप्लीट लॉकडाउन लगाया गया, उस समय कंपनी की सेल लगभग ना के बराबर हो रही थी। कंपनी ने इसी समय का फायदा उठाया और कुछ ऐसे कदम लिए जिससे कि इस कंपनी की टोटल सेल एकदम से बढ़ गई। दरअसल कंपनी ने इनोवेशन और सेफ्टी पर जोर दिया, और उसके लिए उन्होंने सबसे पहले अपने सभी पुराने मॉडल्स जैसे सूमो, जेस्ट और बोल्ट वगैरह को मार्केट से धीरे धीरे हटाना शुरू किया। अब जब कंपनी मार्केट में नए मॉडल जैसे नेक्सॉन, अल्ट्रोज, हैरियर और टाटा पंच के साथ उतरी, तो फिर इसकी सेल एकदम से बढ़ने लगी। अब अगर हम 2020 के टोटल सेल्स डेटा पर नजर डालें तो पता चलता है कि अकेले नेक्सॉन की सेल 1,00,000 कार से ज्यादा रही थी, और उसी के साथ ही अल्ट्रोज की टोटल सेल 69,000 के आसपास रही। इसके बाद से 2021 में टाटा पंच को जब मार्केट में लॉन्च किया गया, तो फिर अगले 2.5 महीनों में ही इसके 20,000 नई गाड़ियां सेल की गईं। इस तरह से मार्केट में नई नई गाड़ियां लॉन्च करने की यह स्ट्रेटजी टाटा मोटर्स के लिए सच में काम कर गई। नंबर 2, वर्टिकल इंटीग्रेशन। दोस्तों, जब मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करने की बात हुई, तो मारुति सुजुकी जैसे बड़ी कंपनी ने भी रिस्क को देखते हुए 2025 से पहले तक कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करने से साफ मना कर दिया, क्योंकि उन्हें पहले इंडियन EV मार्केट को प्रॉपर तरीके से जानना था। और ऐसे ही बाकी सभी कंपनियों के सामने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में न उतारने के अपने अलग अलग रीजंस थे।
जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिजाइन कौन बनाएगा, चार्जिंग स्टेशंस कैसे लगेंगे और बैटरी कहां से इंपोर्ट होगी। लेकिन टाटा मोटर्स के पास इन सभी प्रॉब्लम का सलूशन पहले से ही मौजूद था। दरअसल कंपनी ने जब इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का फैसला लिया तो इन्होंने ये सारे काम खुद करने की जगह पर टाटा ग्रुप की उन अलग अलग कंपनीज को सौंप दिए जिन कंपनीज की इन अलग अलग कामों में एक्सपर्टीज है। फॉर एग्जाम्पल, टाटा मोटर्स ने चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम टाटा पावर को, सॉफ्टवेयर बनाने का काम TCS को और बैटरी बिल्ड करने का काम टाटा केमिकल्स को सौंपा हुआ है। और इस तरह इस स्ट्रेटेजी से टाटा मोटर्स की EV के लिए आउटसोर्स डिपेंडेंसी पूरी तरह से खत्म हो गई और टाटा अपनी EVs का पूरा प्रोडक्शन खुद कर पाता है। इसका फायदा यह है कि एक तो टाटा मोटर्स दूसरी कंपनियों की तुलना में बेहद सस्ती EVs बना पाती है, साथ ही दूसरी कंपनियों पर डिपेंडेंसी न होने की वजह से इनके सभी काम भी टाइम से पहले पूरे हो जाते हैं। नंबर 3, प्रोएक्टिव अप्रोच। दोस्तों, टाटा मोटर्स के टोटल सेल्स में हुए इस पॉजिटिव चेंज का एक बड़ा रीजन इनकी प्रोएक्टिव अप्रोच भी है। जहां बाकी कंपनियां भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लॉन्च करने से डर रही थी, वहीं टाटा मोटर्स ने बहुत पहले ही समझ लिया था कि फ्यूचर EVs का ही होने वाला है। इसीलिए उन्होंने EVs को मार्केट में उतारने का फैसला किया और सबसे पहले टाटा नेक्सॉन को मार्केट में उतारा। टाटा नेक्सॉन टाटा मोटर्स के लिए इतनी बड़े सक्सेस रही कि आज पूरे इंडियन EV मार्केट में अकेले टाटा नेक्सॉन का शेयर 64% है। और इसी की ही बदौलत आज टाटा मोटर्स ने EV सेक्टर के 84% हिस्से को अपने कब्जे में लिया हुआ है। इस तरह से टाटा मोटर्स ने EVs बनाने का जो रिस्क लिया, यही प्रोएक्टिव अप्रोच इनके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हुई। नंबर 4, वोकल फॉर लोकल। दोस्तों, टाटा मोटर्स की इस सक्सेस में वोकल फॉर लोकल ट्रेंड का भी एक बहुत अहम रोल रहा है। दरअसल 2019 में जब कोरोना वायरस आया तो उस समय भारत में बहुत से चाइनीज प्रोडक्ट बैन कर दिए गए और स्वदेशी प्रोडक्ट्स को बढ़ चढ़कर प्रमोट किया गया, जिसका सीधा असर भारतीय कंपनियों को हुआ। इस कैंपेन की वजह से लोगों ने विदेशी प्रोडक्ट्स, खास करके चाइनीज प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया। और यही नहीं, किया और हुंडई जैसी बड़ी कंपनियों ने जब कश्मीर सॉलिडेरिटी डे सेलिब्रेट किया और पाकिस्तान के सपोर्ट में ट्वीट किए, तो उनके ऐसा करने की वजह से भारत के लोगों ने इसका जमकर विरोध किया और ट्विटर पर बायकॉट किया और बायकॉट हुंडई जैसे हैशटैग ट्रेंड हुए। और इन सभी चीजों की वजह से विदेशी कंपनियों की सेल भारत में गिर गई और इसका सबसे ज्यादा फायदा भारत की होम कंपनीज टाटा मोटर्स और महिंद्रा को हुई। नंबर 5, डिफरेंशिएशन। दोस्तों, पहले जहां इंडियन कस्टमर अपनी जेब और माइलेज को देखकर ही गाड़ियां खरीदते थे, वहीं आज की बात करें तो अब लोगों की पर कैपिटा इनकम और आदतें दोनों बदल चुकी हैं और लोग अब माइलेज व कीमत से ज्यादा लग्जरी और सेफ्टी को ध्यान में रखकर गाड़ियां खरीदने लगे हैं। लोगों की सोच में आए इस बदलाव का सबसे बड़ा श्रेय सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स को जाता है। असल में हुआ ये कि पिछले कुछ सालों में बहुत से क्रिएटर्स ने सोशल मीडिया पर टाटा कार्स की बिल्ड क्वालिटी, क्रैश टेस्ट, एक्सीडेंट और सेफ्टी को लेकर वीडियोस डालने शुरू कर दिए। अब लोगों को ये कंटेंट भी पसंद आने लगा, जिससे टाटा का फ्री में एडवर्टाइज हुआ और सोशल मीडिया पर इन वीडियोस ने लोगों के लिए प्रोडक्ट रिव्यू का काम किया, जिसके चलते लोगों का टाटा की गाड़ियों पर भरोसा बढ़ गया और लोग बेहतर सेफ्टी को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस मानकर टाटा की कार्स को खरीदने लगे। और इस तरह से टाटा मोटर्स की सेल्स सिर्फ 3 सालों के अंदर ही इतनी ज्यादा बढ़ गई। बाकी आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही था। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।